मेमोरेंडम दिए होंगे ना, मेमोरेंडम कांग्रेस पार्टी के हमारे मुस्लिम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनका काम जो है मेमोरेंडम देना है। मेरे लीडर कुमार स्वामी ने भी बड़े जोर शोर से बीदर के तकरीर में कहा है कि ऐसे अनासिर को जूते से मार के जेल में डालना चाहिए। हमारी किस्मत में मुकद्दर में लड़ना है, उनके खिदमत में मेमोरेंडम देना है। जीतने के बाद भी, इक्तदार में रहने के बाद भी, उनका काम सिर्फ इतना बच गया है, चाहे वो NRC हो, आणंद का मामला हो, किसी भी मामले के अंदर हलाल झटका कट हो, उनके रहवारी आते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारे लीडर ने जाकर के मेमोरेंडम दिया है, बहुत अच्छा। आज मैं एक रियासी सदर के हैसियत से, जनता दल का माइनॉरिटी का स्टेट का प्रेसिडेंट, बिल्कुल जोर शोर से, बिल्कुल बगैर झिझक के आज कह रहा हूँ कि बसवराज बोम्मई, ऐसे लोगों को जूते से मार के सीधा करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो जो है हमारे हिंदू भाई ऐसे लोगों को जूते से मार के सीधा करने की। बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर कर्नाटका अपने ऑफिस में बुलाकर अगल बगल में बिठा करके मीटिंग करता है, उसका नतीजा ये बेलगाम कुत्ते आए जो है आज काम बोले वो किसी बेहुदा तरीके से भौंकने के लिए खड़े हुए। आज गुलबर्गा शहर के अंदर जो एक फितना बर्पा करने की नाकाम कोशिश आंदोलन का स्वामी के मुसलसिल 3-4 महीनों से मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हुए, चाहे वो आणंद के मामला हो, चाहे ये हो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश मुसलसिल करते आ रहा है। आज गुलबर्गा शहर के अंदर जिस तादाद में हमारे हिंदू भाई महबस तो आकर के सुबह से दलित सेना के हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हनुमंत यल सिंह जी और उनकी तमाम टीम, जनता दल सेकुलर के हमारे पार्टी के हमारे हिंदू लीडर्स, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहां पर जिस मजबूती से हिंदू भाई आकर के खड़े हैं, ये साबित होता है कि गुलबर्गा शहर जो ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह और शरण बसप्पा अप्पा के लिए पहचाना जाता है, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की निशानी है, आज गुलबर्गा शहर के हमारे हिंदू भाइयों ने साबित कर दिया कि ऐसे अनासिर जो फिरका परस्ती फैलाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी दाल गलने वाली गुलबर्गा शहर के अंदर नहीं है। आज हमारे हिंदू भाई जिस तादाद में यहाँ पर आए थे, आज हम उनकी हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर हम आए हैं। और साथ ही साथ बसवराज बोम्मई जो कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर है, हम उसको यहाँ पर, मैं जनता दल सेकुलर के स्टेट प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि जो तू चीफ मिनिस्टर है, तुझे राजधर्म जो होता है, तू अगर चाहते हैं कि कर्नाटक के अंदर अमन, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भाईचारगी कायम रहे, तो ऐसे अनासिर को जो फिरका परस्ती को आए दिन खराब करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इत्तेहाद में खलल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे स्वामी को, ऐसे श्रीराम सेना के जिम्मेदारों को जूते से मार कर ऐसे लोगों को जेल में डालना है, ये जिम्मेदारी बसवराज बोम्मई की है, भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी बनती है। बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर कर्नाटका अपने ऑफिस में बुलाकर अगल बगल में बिठा करके मीटिंग करता है, उसका नतीजा ये बेलगाम कुत्ते आए जो है आज काम बोले वो किसी बेहुदा तरीके से भौंकने के लिए खड़े हुए हैं। मगर आज दलित सेना की टीम जिस मजबूती के साथ, जनता दल सेक्युलर की टीम जिस मजबूती के साथ हमारे हिंदू भाई आकर के यहाँ खड़े हैं, ये साबित होता है कि हिंदुस्तान गुलबर्गा जो है मजबूत है और अमन का गहवारा रहेगा। ये वार्निंग मैं आज पर देता हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी की ये जो तरीक़ेकारी है कि हिंदू मुस्लिम में इंतजार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कामयाब होने वाली नहीं है। मेमोरेंडम दिए होंगे ना, मेमोरेंडम कांग्रेस पार्टी के हमारे मुस्लिम के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनका काम जो है मेमोरेंडम देना है। हम क्योंकि हमको हराया गया है, हम लोग खाऊं का दर्द लिए, तड़प लिए हुए हैं, हम पुलिस के सामने आते हैं केस लोड उठाने की, हम जो हमारे को आदत पड़ गई है, ये हमारी किस्मत में मुकद्दर में लड़ना है, उनके खिदमत में मेमोरेंडम देना है। जीतने के बाद भी, इक्तदार में रहने के बाद भी, उनका काम सिर्फ इतना बच गया है, चाहे वो NRC हो, आणंद का मामला हो, किसी भी मामले के अंदर हलाल झटका कट हो, उनके रहवारी आते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारे लीडर ने जाकर के मेमोरेंडम दिया है, बहुत अच्छा, कौम ने आपको जिता के भेजा है। ये वोट की ताकत तुमको अभी 4 साल होने के बावजूद तुम्हें एहसास नहीं है, ये कांग्रेस के लीडर बयान नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, ये उनकी जाती बात है। मेरे लीडर कुमार स्वामी ने भी बड़े जोर शोर से बीदर के तकरीर में कहा है
कि ऐसे अनासिर को जूते से मार के जेल में डालना चाहिए। आज मैं एक रियासी सदर के हैसियत से जनता दल का माइनॉरिटी का स्टेट का प्रेसिडेंट बिल्कुल जोर शोर से बिल्कुल बगैर झिझक के आज कह रहा हूँ कि बसवराज बोम्मई ऐसे लोगों को जूते से मार के सीधा करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो जो है हमारे हिंदू भाई ऐसे लोगों को जूते से मार के सीधा करने की ताकत है।